हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, फूलों से बना रंगोली और ये ड्रम, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये सेलिब्रेशन है ओनम का, जो कि हमारे सोसाइटी में हुआ था। और हम सब ने जो केरला की वहाँ पे प्रसिद्ध है साड़ी, वाइट और क्रीम कलर का गोल्डन बॉर्डर होता है, वैसे साड़ी हम सब ने वेयर किया था, मोस्टली हम लोगों ने वेयर किया था। और ये सुबह आई थिंक ये 9:30 से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पर सब ड्रम वाले आए थे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आया था। बच्चे जो है वो ड्रेसअप किए हुए हैं, महाबली एंड वमन्ना बने हैं और वो कुछ एक्ट कर रहे हैं। और हम जितने लेडीज़ थे, बहुत लोग वो फ्लावर लेके और दिया जला के थे। बच्चे जितने लड़कियां थी, वो लोग भी एक प्लेट में दिया जलाकर और फ्लावर्स के साथ खड़ी थी। ये फ्लावर्स का रंगोली बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर रंगोली बना हुआ था। तो ये कब बना था, ये तो मैंने सूट नहीं किया था, बट सुबह जब मैंने देखा तो ये ऑलरेडी बना हुआ था। ये ओनम सेलिब्रेशन का वो था बैनर बना हुआ था। और ये जो ड्रम वाले आए थे, ये और जो बच्चे एक्ट कर रहे थे, और जो बच्चे और लेडीज जितनी रेडी हुई थी, ये सारे हमारे सोसाइटी के चक्कर लगा रहे थे। और बहुत ही मज़ा आया। हम इंडिया में बहुत, जैसा आप देख रहे, देखिए ये प्लेट्स में फ्लावर्स रखे और दिया जल रहा है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ इतने अच्छे से ड्रेसअप की हुई थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, और वो ड्रम बजा रहे, वो ड्रम का भी साउंड इतना प्यारा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी। और हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया जो है वो बहुत अलग अलग कल्चर है, बहुत अलग अलग कलरफुल फेस्टिवल्स है। तो अगर हमें मौका मिलता है उन सबको जानने का, उन सब में शामिल होने का, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और जैसा कि हम लोग अभी बैंगलोर में रहते हैं, तो हम लोग गणपति भी सेलिब्रेट करते हैं, होली भी करते हैं, ओनम भी करते हैं। मतलब जो भी इस साइड के, साउथ के जितने भी फेस्टिवल हो गए, और नॉर्थ के ऑब्वियसली जितने सारे फेस्टिवल हो गए, हम सब में सेलिब्रेट करते हैं, और हमें जानने का मौका मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे भी थाली मिली थी, और ये मेरे पीछे मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था। और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए रखा है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, सो इसलिए मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड में रखा है। और ये कल्चर जानने से और उसमें शामिल होना और उस कल्चर को उस टाइम पे जीना और समझना और उसके कलर, उसका इम्पोर्टेंस जानना, बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा प्राउड फील होता है कि मतलब मैं ये फेस्टिवल का भी मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, जो हमारा नहीं है, फिर भी मैं उसको जानती हूँ। सो ओनम में जितने भी लोग थे, सब ने सेलिब्रेट किया। और इसके बाद कुछ गेम्स भी इन लोगों ने रखे थे, वो गेम्स हम लोगों ने खेले। मैंने एक मटका फोड़ का गेम था, सो वो मैंने बहुत ट्राई किया, सबका मटका टूटता है, मेरा तो डंडा ही टूट गया था। सो खैर, वो भी आगे है वीडियो, आप ज़रूर देखिए। ये गर्ल्स जो है, भैया बोल रहे थे सब लोग वहाँ पे डांस करो। सो इसके बाद मैंने किसी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे वीडियोज़ बनाओ, तो ड्रम के इस पे हम लोग भी थोड़े से थिरक रहे थे साउंड पे। और ये जितनी लेडीज़ थी, बहुत सारी लेडीज़ खड़ी थी, जो सबको ये रेडी थे, और फिर इधर वो जो ड्रम वाले भैया थे वो बजा रहे थे, सब अपने अपने ड्रेस में थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और इस साइड जितनी छोटी छोटी गर्ल्स थी, वो थी, अभी नहीं है, अभी भैया ने सबके प्लेट्स ले लिए हैं। सो ये पूरे सोसाइटी का राउंड मार ली थी लड़कियाँ, और इसके बाद लेडीज़ और बड़ी लड़कियाँ जो भी है, सब इंजॉय कर रहे थे, सब डांस कर रहे थे यहाँ पर, सब लोग एक साथ। और ये जो बच्चे जो प्ले कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सपोर्ट के ड्रेसअप किया, और उस कपड़े में फिर वो पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाना, सो उन लोगों ने बहुत बहुत अच्छा प्ले किया, वेरी गुड। और ये मैंने फिर से ये रंगोली का थोड़ा सा वीडियो लिया था, जो बहुत ही अमेजिंग बना था। यहाँ पे भी मैंने बोला थोड़ा एक्ट करो, मुझे वीडियो शूट करना है, ये लोग कर रहे थे। फिर हम जितने फ्रेंड्स थे, ये सब हम लोगों ने स्लो मोशन में कुछ कुछ ये सब तो बनता ही है, फोटो शूट एंड ऑल।
यहाँ पर जो है ये भैया मटका फोड़ रहे थे बट उनसे नहीं फूटा, फिर ये स्पून लेमन का था, अर्जुन ने भी प्ले किया बट अर्जुन फर्स्ट नहीं आ पाया। सो कोई बात नहीं, मुझे लगता है पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ऑब्वियसली सिर्फ तीन ही लोग आएंगे, लेकिन पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है और वो ज़रूर करना चाहिए, बच्चों को ही नहीं हम सबको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके बाद जो है खाना था वो बनाना लीफ पे खाना था, सांभर चावल और एक राइस होता है जो केरला का मोटा मोटा सा राइस होता है, वो भी बहुत अच्छा था, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। और ये मैं बता रही थी सबके तो मटके टूटे, मेरे तो डंडा ही टूट गया था, तो मैंने बहुत ट्राई किया, वो लगा हिट हो रहा था बट वो टूट नहीं रहा था, तो कोई बात नहीं, तो आखिरकार वो नहीं ही टूटा। और जैसा मैं पहले बता रही थी कि खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, बिना मसाले का था और बहुत प्योर खाना बहुत अच्छा था। सो ये देखिए मटका तो ऐसा स्विंग कर रहा है जैसे उसको मेरे डंडे के पास तो आना ही नहीं था, ये डंडा टूटा अगेन हुआ बट आई थिंक कि मेरा ये जब मुझे बांध कर वो वापस ला रहे थे मटके के पास, तो मैं ये कहीं और ही किसी और के पास मारने वाली थी, तो इन लोगों ने आवाज़ लगाई लेफ्ट राइट, लेकिन मेरे से मटका नहीं टूटा। सो ये मेरी फ्रेंड है जो हम लोगों ने थोड़े से पिक्चर्स क्लिक किए, इन लोगों के भी पिक्चर्स क्लिक किए थे। सो ये देखिए ये बहुत अच्छा गेटअप लगता है, आई थिंक ये केरला और जो तमिल के साइड बहुत सारी शादियों में भी लड़कियां जो है वो वैसे ही ऐसी वाली साड़ियां वेयर करती है, ऑब्वियसली उनकी साड़ियां बहुत कॉस्टली होती होंगी, सिल्की होती होंगी, बट मैंने ऐसे देखा तो बहुत सुंदर लगती हैं। सो ये हम लोगों ने मस्ती किया था और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऐसे मेरे चैनल को प्लीज़ आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करें, तो मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेट भी होंगी मैं। थैंक यू सो मच।